हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। सबसे पहले बेटा 30th तक न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम दे रहा हूँ, 24, 28, 29 और 30। ऐसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जिस भी बच्चे ने 24 पूछा है, हार्दिक भाई आपने पूछा है ना, लास्ट लेक्चर उठाकर देखे ना, 24 क्वेश्चन आखिरी में मैं करके गया हूँ। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मुझे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड से नहीं बेटा। मुझे जो मेथड यूज करना है उसका नाम है टोटल एक्सपेंडिचर। सर, टोटल एक्सपेंडिचर की कहानी बड़ी सिंपल सी है। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करे, प्रॉब्लम है ना आपकी? अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करे तो ईडी हमेशा लेस देन वन होगा। अगर ये बेटा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो ईडी इज ग्रेटर देन वन होगा। बाबू, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के साथ बस एक प्रॉब्लम है, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड बताता है। बस ये बता देता है कि लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, या ये ग्रेटर इलास्टिक है। अगर बेटा प्राइस किसी भी डायरेक्शन में मूव करे और टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बना रहे, यहाँ 40 और 40 होता, तो मैं बोल देता ईडी इज इक्वल्स टू वन। अब बाबू, प्राइस बढ़ने के साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो बाबू ईडी इज लेस देन वन, हम बोल देंगे लेस इलास्टिक है। सिंपल सी कहानी। आओ जी बात को आगे बढ़ाते हैं। किसी ने मुझसे 28 प्रॉब्लम पूछा, पढ़ते हैं। कहता है अ कंज्यूमर बाय 10 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 6 पर यूनिट। बाबू 10 यूनिट खरीदता है जब प्राइस 6 पर यूनिट होता है। कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1, एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 12 यूनिट। यूज एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू आंसर दिस क्वेश्चन। भाई क्या ही कर रखा है, ये कुछ है ही। बाबू मेरी तरफ देखना, सब सामने। सर, 6 के प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। बेटा कहता है जब आपकी प्राइस 6 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी। बाबू टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट होता है? पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना? 60। कहता है किस प्राइस पे, मेरी तरफ देखना, किस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड 12 हो जाएगी। और बाबू इसने ये भी बताया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1, माइनस हटा दो, एब्सोल्यूट फिगर में ले आओ, प्राइस इलास्टिसिटी 1 है। इधर देखना, उसने कहा आपने एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है। बाबू मैंने ना अभी एक बात बताई, एक्सपेंडिचर मेथड, बाबू अगर प्राइस कहीं पर भी मूव करे, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, अगर टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है तो प्राइस क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? 1। इसने बाबू क्लियरली आपको बोल दिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। अगर 1 है तो टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, और अगर ये 12 है तो बाबू प्राइस कितना कैलकुलेट हो गया? 60 डिवाइडेड बाय 12, 5 आ गया आंसर। किस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड 12 होगी? आ गया बेटा, प्राइस कौन क्या होगा बेटा? 5 होगा। ठीक है सर, यही थी प्रॉब्लम, होगी सॉल्व। बाबू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हद से ज्यादा टुच है। सिर्फ ईडी कब वन होगा? जब बाबू टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होगा, प्राइस चाहे अप हो चाहे डाउन हो, अगर ये बिल्कुल बराबर है तो ईडी हमेशा वन है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ईडी ग्रेटर देन वन है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ईडी इज लेस देन वन है। इससे आसान मेथड हो नहीं सकता कोई, ठीक है जी। अब वो रही बात 29 और 30 की, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। वो बात अलग है कि सात्विक ने ऐसे ही बोल दिया 30 लिख लो, मेरी प्रॉब्लम है, उसे पता भी नहीं 30 तक काउंटिंग क्या होती है। बाबू आओ खैर करते हैं बात। बाबू कहते हैं द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, बस बस बिल्कुल छोड़। बाबू कहते हैं द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज नोन टू बी ट्वाइस दैट ऑफ गुड वाई। बाबू कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी गुड्स एक्स के लिए ट्वाइस है इन कंपैरिजन ऑफ गुड्स वाई। अच्छा, यानी कि वाई की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है? बाबू अगर 1 है तो बेटा एक्स के लिए कितनी है? ट्वाइस है, उसकी 2 है फिर, ठीक है। कहते हैं प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स बाय 5%।
अगर प्राइस गिर जाए एक्स का 5% से, वाइल दैट ऑफ गुड वाई राइसेस बाय 5%, वाई के गुड्स का प्राइस बढ़ जाए 5% से, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स एंड वाई। तो बहुत सिंपल बात हो, इधर देखना प्लीज मेरी तरफ बाबू। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एक्स बेटा और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स वाई, इसने कहा कि ये ट्वाइस है इन कंपैरिजन टू द वाई। बाबू अगर वाई वन है तो बेटा ये टू ही तो है, दो वन है। बाबू ईडी ऑफ एक्स प्राइस इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसी के बराबर होती है। सर ये टू है, आपसे परसेंटेज चेंज इन डिमांड पूछा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड पूछा है और उसने बताया है कि अगर एक्स का प्राइस 5% से गिर जाए, मतलब एक्स में चेंज कितना आया 5% का प्राइस में, बाबू 5% से गिर जाए तो बेटा परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना होगा, 1 मिनट में कैलकुलेट हो सकता है 10%। पर आपको एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, उसने कहा है प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स बाय 5%, एक्स का दाम 5% से गिर गया है। सर आपको पता है देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अगर बाबू एक्स का प्राइस 5% से गिर गया है तो बाबू क्या लिखोगे, क्वांटिटी डिमांडेड 10% से बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड 10% से बढ़ेगी। इधर देखना बाबू प्राइस इलास्टिसिटी मुझे वाई की गिवन है 1, बाबू कहता है वाई का प्राइस अगर 5% बढ़ गया है तो क्वांटिटी डिमांडेड बतानी है वाई की। इधर देखना सर अगेन फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बताना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता है। बेटा अगर किसी की आवाज आई ना और मैंने अब देख लिया तो क्वेश्चन वही यहां आगे करेगा, और ना हुआ तो 4 लगा दूंगा बाबू, क्योंकि ना यहाँ बैठे हुए आधे से ज्यादा बच्चे जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि होमवर्क पूरा नहीं है, मैं लगाने पे आया ना बाबू 20 के लगेंगे, इसलिए बोलना मत, सारे फंसोगे जो भी बोल दिया आज। सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसने कहा गुड एक्स का प्राइस 5% बढ़ गया, सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 5%, तो बाबू परसेंटेज चेंज इन डिमांड 1 मिनट में निकल जाएगा कि 5% है, पर ध्यान रखना आंसर लिखते टाइम यहाँ प्राइस बढ़ाया 5% से, तो क्या लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 5%, और एक्स में क्या लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 10%। फर्क समझ में आ रहा है दोनों बातों में, ठीक है नहीं, यहाँ प्राइस गिरा था एक्स का या वाई का बढ़ा था, तो बाबू यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, बस डिपेंड करेगा प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है, यहाँ 2 थी यहाँ 1 थी, तो यहाँ 10 आए यहाँ 5 ही आ रहा है, ठीक है नहीं। और बाबू अगर मुझे आंसर रीड कराना हो सिर्फ इतना सा आंसर रीड कर दो, क्वांटिटी ऑफ एक्स विल राइज बाय, क्वांटिटी ऑफ वाई विल फॉल बाय, ठीक है नहीं। सेम क्वेश्चन 30 है, कोई फर्क नहीं है। बाबू हो सकता है लेकिन क्या करे, और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास सपोज करने के अलावा, या मजबूरी थी मेरी भी क्योंकि लेक ऑफ डेटा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को, सामने देखना बस इस क्वेश्चन में क्या फर्क है 30 और 29 में, यहाँ एक्स का प्राइस बढ़ा है और वाई का गिरा है, वहां एक्स का गिरा हुआ था और वाई का बढ़ा हुआ था, तो 30th की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डन आगे बढ़ जाए। अगर एक सेकेंड पूछते मैं दूसरी, बाबू इनका सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, अगर स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं कर सकते प्रॉब्लम पूछ लेना मैं आत बात कर दूंगा, मुझे 12 के 12 क्वेश्चन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, हो बहुत बढ़िया, नहीं हो प्रॉब्लम डालो मुझसे पूछो मैं करूंगा सर, लेकिन ना हम अपने आप को टाइम बाउंड रखते हैं, 1 मिनट लो, 1 मिनट में समझ में आता है ठीक नहीं हो रहा मुझसे प्रॉब्लम पूछो, ठीक है जी। हर क्वेश्चन में 1 मिनट देते हैं, फटाफट से स्टार्ट हो जाओ, क्वेश्चन होना चाहिए वैसे। लो उत्तर सामने देखना, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है मैं कर देता हूँ कोई अगर आज बाबू, लेकिन मैं बता रहा हूँ 29 से लेकर 42 तक क्वेश्चन का लेवल है, अगर वो कर पाओगे तो ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। बाबू कहते हैं डिमांड फॉर गुड्स एक्स एंड वाई हैव
इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी, दो गुड्स हैं अलग अलग एक्स और वाई, कहता है दोनों की प्राइस इलास्टिसिटी बिल्कुल बराबर है। स्टेटमेंट सुनना रौनक भाई, प्लीज गुस्सा मत करो बाबू, प्राइस इलास्टिसिटी दोनों गुड्स की बराबर है। कहते हैं द डिमांड ऑफ एक्स राइजेस फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 250 यूनिट्स ड्यू टू 20% फॉल इन इट्स प्राइस। बाबू कहता है एक्स गुड्स की डिमांड यहां से यहां तक पहुंच गई अगर प्राइस 20% गिरा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे थोड़ा सा अगर बुद्धि पे जोर डालो, ये यहां से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकल सकता है एक्स का, और ये बेटा एक्स के प्राइस की भी बात है, चेंज इन प्राइस भी है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी निकल जाएगा। एक्स की प्राइस इलास्टिसिटी निकल जाएगी, और एक्स की प्राइस इलास्टिसिटी वाई के बराबर है, वाई की भी निकल जाएगी। ठीक है, वाई के प्राइस इलास्टिसिटी आपके सामने है। कहता है क्या, कैलकुलेट द परसेंटेज राइज इन डिमांड ऑफ वाई इफ इट्स प्राइस फॉल्स बाय 8%। बाबू प्राइस अगर 8% से गिर जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड बतानी है। बाबू क्या करोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी वाई की पता है, जो एक्स की होगी वही वाई के बराबर है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। अब मैंने मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, मेरी तरफ देखना बाबू। पहले मैं एक्स गुड्स की चर्चा करूंगा, फिर मैं वाई गुड की चर्चा कर दूंगा। ठीक है जी, इधर देखते रहेंगे सब। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकलती है? सर तीन अलग अलग फॉर्मूला बना सब एक ही चीजों से, जिन्होंने करा रहा उन्होंने किया हुआ है। बाबू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऐसे ही निकालते बेटा। बाबू इलास्टिसिटी निकालो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, देखो सारे हिंट है। बाबू कहता है अगर 20% प्राइस गिर गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 250 गए। पेशेंस टेस्ट मत कर बेटा, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब बोलना ही नहीं, खाली बोलना ही नहीं, कुछ नहीं होता, मैं डिस्टर्ब होता हूँ चीजों से। बाबू प्राइस गिर रहा है 20% से, बाबू माइनस लगा दो, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है 100 से 250 पूछ रही है। बाबू चेंज इन डिमांड कैसे निकल सकता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 100, कहां तक पहुंच गई 250 तक, चेंज कितना आया 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। सर यानी कि 150% का चेंज आया, 150% क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई अगर प्राइस 20% गिर गया, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी वुड बी -7.5, और बाबू माइनस हटा दो 7.5। यही सेम प्राइस इलास्टिसिटी होगी y की भी, क्योंकि उसने कहा था x और y की प्राइस इलास्टिसिटी बिल्कुल बराबर है। फॉर्मूला लगा दो, प्राइस इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बाबू प्राइस का चेंज उसने बताया हुआ है, प्राइस अगर 8% से गिर जाए तो y की डिमांड कितने परसेंट से बढ़ेगी। बाबू प्राइस अगर 8% से गिर जाए, माइनस लगाना मत भूलना, सर मल्टीप्लाई कर सकते हो 60 आएगा, तो बाबू डिमांड कितने परसेंट से बढ़ेगी आपको भी पता है, 60% से आंसर आ गया। बस क्वेश्चन का इतना ही लेवल होता है, थोड़ा सा पेशेंस से पढ़ा करो पहले क्वेश्चन, इतना मुश्किल था नहीं। अब जिसने भी करना है बाबू सॉल्यूशन नोट डाउन करो फटाफट से, फिर मैं 32 डिस्प्ले कर रहा हूँ, जल्दी करो बाबू, क्वेश्चन होना चाहिए, प्लीज पेशेंस से पढ़ना, बिल्कुल क्वेश्चन हो जाएगा ये, और आप ट्राई कर रहे हो फटाफट से करो। बाबू 32 किसी की प्रॉब्लम नहीं आई, 33 पर 1 से 1.5 मिनट लगाओ, अगर आपको लगता है मुझसे नहीं हो रहा बोल जाओ। सॉल्यूशन बिल्कुल विजिबल नहीं है इसका, खराब है और बहुत अच्छी बात है, विजिबल नहीं है तो आप खुद से ट्राई करो फटाफट से। बाबू सब सामने देखना, जिनसे 33 नहीं हुआ, होना चाहिए था, ऑल्दो मैं ये बात बता सकता हूँ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं इजिएस्ट वे ढूंढता हूँ करने का, आप देखना आपको इजी लगता है। बाबू कहता था परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 3 times देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा जी, इफ ओरिजिनल डिमांड इज 30 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 7 पर यूनिट देन कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ प्राइस इंक्रीज्ड बाय 10%। इंडिकेट वेदर द डिमांड इज इलास्टिक और नॉट, ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब मैंने सारी रिक्वायरमेंट पढ़ी, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ा, प्लीज मेरी तरफ देखना। सर गिवन डेटा को इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो कि मजा आ जाए, क्वेश्चन करना ही आसान लगे।
बाबू उसने बोला पहली लाइन में परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू थ्री टाइम परसेंटेज सॉरी थ्री टाइम्स देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही बात अभी तक सारे? बाबू पहली चीज मुझसे पूछता है डिमांड इलास्टिक है या नहीं है, यही पूछता है ना। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ बाबू, अगर मैं एक मिनट के लिए प्लीज सामने देख लो यार, मेरे से ज्यादा आसान शायद आपने करा नहीं होगा इसको। मैंने परसेंटेज चेंज इन डिमांड लिखा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को अपॉन में लिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये किसके बराबर आ गया, थ्री के। यही तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यही तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन आ रही है, दिखाई दे रहा मोर देन वन आ रही है, इसने पूछा है इलास्टिक है या नहीं है, इलास्टिक है, फटाफट से बताओ इलास्टिक है। किसी ने भी अगर ऐसे किया है, बस मैं मान रहा हूं वो कर रहा है, वो सबसे शॉर्टकट ढूंढ रहा है, बाकी तो आप लगे रहो है कोई ऐसा करा है? एक तो है भाई, चलो तैयारी कर लो बेटा, मास्टर बनना है ना मेरी कल में, मास्टर आओ। चलो चलो फिलहाल मुद्दा नहीं है ये, आप सामने देखो, सबसे आसान ढूंढना पर्पस था, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान ही ढूंढ पाए, आंसर आ गया ना, एक मिनट लेट आ गया, नंबर बुरे ही मिलेंगे, किसी को नहीं पता आपने आसान ढूंढना के नहीं, चार में से चार ही लिया होगी, मुझे उसकी भी बहुत खुशी होगी, मैं गलत ना करके आना। बाबू आपसे पूछता है ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, सामने देखना प्लीज, ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। बाबू उसने बोला है प्राइस अगर 10% से बढ़ जाए तो आप ये भी बता दो कि क्वांटिटी डिमांडेड नहीं कितनी होगी। इधर देखना भाई, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस मैं 10% पुट कर दूं यहीं से, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना होगा, 3 × 10% मतलब 30%। पर ये ध्यान रखना प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही होगी, डिक्रीज, 30% डिक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांडेड। बाबू अगर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड 30 थी और 30% का डिक्रीज होगा तो बाबू यानी कि नई क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, 30 थी ना ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, 30% का डिक्रीज होगा, 30% का 30% मतलब 9, 30 - 9 यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, 9, 21 units। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, नोट डाउन करो अब जैसे भी करना, ठीक है जी। वैसे मैं बता देता हूँ ये स्टेप मैंने बहुत बाद में किया है, पहला स्टेप ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, ठीक है जी। चौथे स्टेप में मैंने ये पुट किया है इसमें, इस इक्वेशन में, ठीक है जी। फटाफट से करके दिखाओ, जल्दी से नोटबुक में नोट डाउन करो। लो उत्तर सामने देखना, क्वेश्चन नंबर 34 मैं करूंगा, और तो थोड़ा सा ब्लरी सा है, ठीक है जी। 35 आप करेंगे, लेकिन बेटा 34 पहले सीख लो कितना आसानी से मैं करूंगा, 34 जैसा ही 35 है, उसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा, आप सामने देखना मेरी तरफ। बाबू कहते हैं इन केस ऑफ कॉमोडिटी बी द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस टू ओरिजिनल प्राइसेस -0.4। बेटा कहता है इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5 कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लो जी सामने देखना मेरे बच्चों, बाबू कहता है रेशो ऑफ, प्लीज सामने देखो बाबू, मैं एक सिंगल स्टेप में कर दूंगा, रेशो ऑफ चेंज इन प्राइस टू ओरिजिनल प्राइसेस 0.4, मतलब क्या दे रखा है, रेशो ऑफ चेंज इन प्राइस टू ओरिजिनल प्राइसेस 0.4, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई है 0.5, वो बात अलग है, मैं माइनस इग्नोर कर रहा हूं, मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में लिख रहा हूं। कहता है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सिंगल सेकंड लगना चाहिए अगर थोड़े से भी मैथ्स के ज्ञाता हो। इधर देखना बाबू, इसने रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस टू प्राइस दी हुई है 0.4, अगर बेटा मैं बोथ साइडेड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसके बराबर होता है, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बाबू परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया, 40%। बाबू बचता गया क्वेश्चन में, ईडी आपके सामने है,
ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यही मुझे निकालना है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर ईडी 0.5 है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 40% है। समझदार को इशारा काफी, आंसर इज 20%। क्योंकि प्राइस गिर रहा था, ये देखो माइनस में था, गिर रहा था, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है ना, समझ में आएगा सर, मैं पक्का बता रहा हूं, मैं अगर आपको मौका देता आप कभी भी इतना आसान ना सोचते। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब इसको नोट डाउन करो, या इसको नोट डाउन ही मत करो, खुद से अटेम्प्ट करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 35, 30 सेकेंड आपके शुरू, फटाफट से बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, सर शायद मिनटों में हो जाना चाहिए। अब देखते हैं बाबू कितना बुद्धि लगाते हो, गिवन वैसे ही है डेटा जैसे मैं बात करता हूं, करना बाबू बता देता हूं। जो भैया पूरा बता देते हैं सर, आप गो आपकी खिदमत में हाजिर है पूरा। सामने देखना मेरी तरफ, सर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू गिवन है, ठीक है नहीं? सर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो बोथ साइड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड आ गया 60%। बाबू ईडी आपके सामने है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल दो, प्लीज सामने देखना। थोड़ा सा इस बात पे भी फोकस करा करो, माइनस साइन कहाँ लगा हुआ है, यानी कि डिमांड 60% से गिरी है तो प्राइस बढ़ेगा जितना भी आएगा। बाबू प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाया, वैसे मैंने माइनस साइन इग्नोर कर दिया। प्राइस इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, अभी मैंने देखा 60% से डिमांड गिर रही है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर यहां से परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लो आप, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू 60% अपॉन 0.7। सर अगर आपने कैलकुलेट कर लिया होगा ये, तो 80% आ भी गया होगा भाई, इतना तो सबने कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है जी, अब उसने कहा ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू एक्सपेंडिचर इफ इनिशियल एक्सपेंडिचर वाज 500 एट अ प्राइस ऑफ 20। वेरी गुड बाबू, प्राइस कितना है 20 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 500 है। सर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी, दिस सॉरी दिस डिवाइडेड बाय दिस, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ गई 25। अब सामने देखना प्लीज बाबू, क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीज था, माइनस का साइन था, 60% क्वांटिटी डिमांडेड गिरी है, यहां से 60% गिरा दो बाबू। 60% मतलब 15 आएगा, 25 का 60% 15 आएगा, यानी कि नई क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बची अब, एंड प्राइस कितना बढ़ गया 80%, प्राइस बढ़ेगा ना, देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप, 80% बढ़ गया, इसका 80% निकालोगे 16 आएगा, यानी कि बेटा 20 + 16 कितना प्राइस आ गया नया 36, 36 और ये 10, टोटल एक्सपेंडिचर 360। स्पर्श क्लियर हो गया बाबू, स्पर्श के साथ साथ जिसने भी जिसकी भी प्रॉब्लम थी मन में थी, क्लियर हो गया उन सबको, आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर तो हो गया, होता रहे जो भी तुम्हारी समस्या है। 1 मिनट का क्वेश्चन है, 38 तक करना है आज, 4 होमवर्क दूंगा, 38 तक करना है, 37 फटाफट से करो जा बाबू, जिनसे 37 भी नहीं हुआ वो बता दो एक बार, हो गया अभी, हो गया 37 डन सबसे बाबू। 38 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम पैक कर सकते हैं। सर स्पीड बढ़ाकर कर दो फटाफट से, 38 क्वेश्चन, 5 मिनट है आपके पास बस बाबू, लास्ट क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल चुप, 1 मिनट दे दो मेरे को, सारा खत्म कर देता हूँ 1 ही मिनट में, जिसकी जितनी प्रॉब्लम है सब सब रिजॉल्व हो जाएंगे। बाबू डिमांड बढ़ रही है 20% से, बस बस बिल्कुल चुप बाबू, डिमांड बढ़ रही है 20% से, प्राइस गिर रहा है 2 रुपए से, जबकि ओरिजिनल प्राइस था 8 रुपए। सर चेंज इन प्राइस निकाल लें, चेंज इन प्राइस निकाल लें, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि प्राइस गिर रहा है, माइनस लगाना मत भूलना। सर ये कैलकुलेट होकर 25% आया माइनस का,
यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी कितनी आ गई, -0.8, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म में लिखो तो 0.8। ठीक है जी बाबू, आपसे पूछा इलास्टिक और इन इलास्टिक, बाबू लेस देन मैंने इन इलास्टिक लिखेंगे हम। बाबू आपसे पूछता है शेप ऑफ डिमांड कर्व, सर देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये सबको पता है कि बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग है या नेगेटिवली स्लोप है, कुछ भी बोल लो, पर स्टीपर कर्व बनेगा ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप याद नहीं रखते क्योंकि चीजों को मैंने तो बताया हुआ है, मैं अभी भी याद करा देता हूँ, मैंने अभी केशव को भी याद करी बात। सर अगर ईडी इक्वल्स टू जीरो होता है, कर्व हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, ईडी लेस देन वन होता है, ये लेस देन वन है ईडी। सर कर्व थोड़ा स्टीपर होता है, दिखाई दे रहा है। सर अगर ईडी इक्वल्स टू वन होता है, सर ना तो ये ज्यादा स्टीपर होता ना ज्यादा फ्लैटर होता, ठीक है जी। अगर ईडी ग्रेटर देन वन होता है तो कर्व थोड़ा फ्लैटर होता है, ज्यादा लेटा हुआ सा दिखाई देता है, और अगर ईडी इन्फिनिटी होता है तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। याद है मैंने ये अगर आप देखो नोट्स उठा के तो समरी में दिखा रखा है सारा का सारा डायग्राम। सर तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड स्टीपर कर्व दिखाई देगा आपको, ठीक है जी। रही क्वेश्चन नंबर फोर्थ की प्रॉब्लम, कहता है इफ न्यू डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी इज 84 यूनिट देन कैलकुलेट द ओरिजिनल डिमांड। बाबू डिमांड कितने परसेंट से बढ़ी, 20% से। मैंने मान लिया लेट द ओरिजिनल डिमांड भी 100%, अगर वो 20% से बढ़ी है तो बाबू कितनी हो गई होगी अब 120%। बाबू किसके बराबर 120%, 84 के। यूनिटरी मेथड अगर 120% 84 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, तो 100% किसके बराबर होगा, कैलकुलेट मेरा ख्याल हो जाएगा और बाबू ये 70 आ जाएगा। मैंने आपको कहा था आप जिन जगहों पे x मानते हो मैं हमेशा 100% मानता हूँ, ठीक है ना, आपकी गलती नहीं है, मैंने भी आपकी एज में x ही माना है, मुझे लगता था x से ही सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है जी। फिर धीरे धीरे समझ में आया 100% मानोगे और आसान हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर 100% पे आ गए, ठीक है जी। तो ओरिजिनल डिमांड कितनी आ गई, 70 आ गई। बाबू कहता है मुझे प्राइस इलास्टिसिटी निकाल दो टोटल एक्सपेंडिचर से, आओ जी एक मिनट में निकाल देते हैं। सर पी क्यू टोटल एक्सपेंडिचर, अभी मैंने देखा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 70 और नई कितनी थी 84। बाबू ओरिजिनल प्राइस कितना था 8 और बाबू प्राइस बाद में 2 रुपए गिर गया था, कितना हो गया था 6, यह आया होगा 560 और यह आया होगा शायद 504। प्राइस गिर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है, ईडी लेस देन वन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। सर इसने पूछा वेदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेटेड एन 1 और 5 आर सेम आंसर। सर आप लिखोगे नहीं, क्यों सर, परसेंटेज मेथड एग्जैक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है और इसने बताया भी 0.8। सर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, बस ये कह देता है कि लेस देन वन आएगा या मोर देन वन आएगा या इक्वल्स टू वन आएगा, एग्जैक्ट आंसर तो कभी भी नहीं देता टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप लिखोगे नहीं प्राइस इलास्टिसिटी सेम नहीं आई, डिग्री सेम आई है उसकी, समझ में आई बात। चार क्वेश्चन होमवर्क है 39 से 42, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।